नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। ओडिशा के केंदुझर जिला बडवेल में झारखंड सीमा से सटे ठाकुरानी अंचल में स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील माइंस के परिवहन ठेकेदार केपी इंटरप्राइजेस के कैब कार्यालय में 2,70,000 रुपए की लूट होने का मामला सामने आया है। प्राप्त सूचना के अनुसार सोमवार सुबह करीब 10:30 में 3 युवक कैंप कार्यालय के अंदर घुसकर सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक से डराकर और धमकाकर कर्मचारियों से करीब 2,70,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। घटना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों से मिली सूचना के अनुसार 3 युवक कर्मचारियों को हिंदी भाषा में धमका और चमका रहे थे। वे लोग आपस में आदिवासी भाषा में बात कर रहे थे। एक कर्मचारी ने कहा, घटना में इस्तेमाल किया गया बंदूक AK-47 की तरह दिख रहा था। तीनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद सभी को भयभीत करने के लिए फॉल्स फायरिंग करते हुए झारखंड राज्य की ओर भाग गए। थोड़ा अपना परिचय दो। जसपाल सिंह, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। अच्छा, ये जो घटना हुआ डकैती का, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बोलिए। सर, अचानक से 3 लोग आए, उसमें से एक ने हेलमेट पहनी थी, 2 लोग ऐसे ही थे बिना। समय कितना होगा सर? वही 10:30 से 11 बजे के बीच का। क्या किया, क्या हुआ सर? आए, एक जन ने गन निकाली, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, आके डायरेक्ट तान दी मेरे ऊपर। उसके बाद अंदर घुसे, अंदर जाके जितने पैसे थे, कैश था जितना, ले गए। उसके बाद जाते जाते एक राउंड फायरिंग करके वहाँ से निकल गए। कितना कैश था आपका? सर वही 2,73,000 करीब था। 2,73,000 था। अच्छा, जो आए थे वो कहाँ से आए थे, क्या अनुमान क्या किया जा रहा है? सर उसकी तो कोई जानकारी नहीं है, मतलब लोकल लड़के होते तो पहचान लेते, लेकिन लोकल नहीं थे, जो भी थे बाहर के ही थे। कैसा बंदूक था? सर लंबी बंदूक थी, जैसे AK-47 रहती है उस टाइप की बंदूक थी। तीनों क्या मुंह ढके हुए थे? नहीं सर, एक ने हेलमेट पहनी हुई थी, बाकी दोनों खुले मुंह थे। अच्छा, किस टाइप का थे, कितना ऊंचा लंबा चौड़ा के साथ? सर वही 5'6" करीब होंगे, और जो बाइक चला रहा था वो थोड़ा सा उनसे लंबा था। कुछ बोले? सर बात तो जैसे मेरे से जो बातचीत हुई तो हमको जो धमकाए वो हिंदी में धमकाए, लेकिन आपस में वो जो बात कर रहे थे वो प्योर आदिवासी भाषा में बात कर रहे थे। ओडिशा के केंदुझर जिला बडवेल से सजाद आलम की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।